वेलकम गाइस, मेरा नाम है सौरव। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो यूट्यूब चैनल की जो वीडियोस है उसकी कमेंट किस तरह क्यों ऑफ हुई है, और आपके जो चैनल पर जो एड्स दिखाई दे रही है वो पर्सनलाइज एड्स क्यों नहीं दिखाई दे रही है। सारी की सारी प्रॉब्लम इस वीडियो में मैं आपकी सॉल्व करूँगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि आपकी जो वीडियोज़ की है सारी की सारी कमेंट ऑफ हो जाती है, और आप ऑडियंस से जो बातचीत नहीं कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम आप नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो देखिए, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है दोस्तों। तो आपको क्या कर लेना है, आपका फ़ोन का ब्राउज़र ओपन करिए। मैंने क्रोम ओपन किया और वहाँ पे आपको स्टूडियो यूट्यूब स्टूडियो पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। वो तो आपको पता ही है किस तरीके से लॉगिन करना है। आप एक क्रिएटर हो तो आपको पता ही होगा। देखिए, मैंने अपने यूट्यूब के स्टूडियो में लॉगिन कर लिया है। YouTube के स्टूडियो पे लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो पेज ओपन हो जाता है। देखिए, मेरे दो तीन वीडियो जो है रिस्ट्रिक्शन में चले गए और ये मेड फॉर किड हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेड फॉर किड, तो ये नहीं लिखा हुआ आना चाहिए। मेड फॉर किड अगर लिखा हुआ था तो आपके चैनल पर पर्सनलाइज ऐड भी नहीं दिखेंगी और आपके जो कमेंट्स सेक्शन है वो भी ऑफ कर दिया जाएगा। ये नन वाला है तो यहाँ पे कमेंट ऑन है और ऐड दिखना भी चालू है अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो, ठीक है। तो देखिए, ये ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग वाला ऑप्शन ये नीचे की तरफ है, इसको आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। उस पेज को, ठीक है दोस्तों, मैं ओपन होने देता हूँ। वो पेज अभी ओपन हो चुका है, देखो। देखिए दोस्तों, पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको जनरल में कोई आपको यहाँ पे सेटिंग नहीं करनी है। आपको जनरल के नीचे जो चैनल वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है, और ये देखिए यहाँ पे बेसिक इन्फो लिखा हुआ है। आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडियंस। मैं इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ डू यू वॉन्ट टू सेट यूर चैनल एज मेड फॉर किड। तो मेरा चैनल तो मेड फॉर किड नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। चिल्ड्रेन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो कोपा एक्ट है वो यूट्यूब ने लागू कर दिया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है नए क्रिएटर या और पुराने क्रिएटर को भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। तो देखिए, आपको क्या करना है, अगर आपकी टिक एस पर है तो आपकी जो चैनल की जो कमेंट्स है वो ऑफ हो चुकी होगी दोस्तों। तो आपको एस वाला टिक हटा देना है, आपको नो पर करना है। नो पर मतलब नो, आप यूट्यूब को बता रहे हो कि मेरा चैनल किड्स के लिए नहीं बना हुआ है, तो आपकी जो कमेंट्स है वो ऑन कर दी जाएगी। अगर यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन नहीं आता है, अगर आप नो पे क्लिक करते हो, और देखिए अभी अब क्या हुआ है, यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन आ चुका है। देखिए, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये सेव वाला ऑप्शन आ चुका है। अगर सेव वाला ऑप्शन नहीं आता है तो आप उसके नीचे टिक कर दीजिए आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो वीडियो। तो YouTube अपने आप सारी वीडियो आपके चेक करेगा कि चिल्ड्रन के लिए बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, और वो अपने आप उन वीडियो को मेड फॉर किड्स में से निकाल के आपके कमेंट ऑन कर देगा, ठीक है। तो मेरा नो पे क्लिक करने के बाद ही सेव वाला ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, सेव। तो अभी ये सेटिंग आपके सारे के सारे YouTube वीडियोस को अप्लाई हो जाएगी, और आपको 10 से 15 मिनट वेट करना है सेटिंग के अप्लाई होने के बाद। आपको फिर से इसको क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करना है और मेड फॉर किड्स का जो एक यहाँ पे लिखा हुआ है वो चला जाएगा। वहाँ पे नन लिखा हुआ आएगा और आपकी जो सारी YouTube वीडियोस पे जो प्रॉब्लम आ रही है कमेंट की, वो भी कमेंट ऑन हो जाएगा, और आप ऑडियंस से बातचीत कमेंट के थ्रू कर सकोगे। आपकी सारी कमेंट्स ऑन हो जाएगी और आपके एडवर्टाइज भी दिखना शुरू हो जाएगी, पर्सनलाइज ऐड। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। मैं नया क्रिएटर हूँ, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से आप संतुष्ट हो गए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।